कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के जी रामा राव ने पार्टी कायदीन व कारकुनों को बीआरएस की तासीसी तकारीब बड़े पैमाने पर मुनाकिद करने की हिदायत दी। पार्टी कारकुनों के नाम जारी करदा पैगाम में केजिया ने कहा है कि 27 अप्रैल को केसीआर की क्यादत में बड़े पैमाने पर अजीम उशान अंदाज में पार्टी का तासीसी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क और रियासत में सियासी माहौल गर्माता जा रहा, 27 अप्रैल को मुनाकिद शुदने बीआरएस तासीसी इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। केटी रामाराव ने कहा है कि 25 अप्रैल को हल्का असेंबली सतह पर पार्टी मदोबीन का इजलास मुनाकिद होगा। 10 अक्टूबर को वरंगल में बीआरएस का जलसियाम मुनाकिद करने का फैसला किया गया। वाजरे के पार्टी की जानिब से रियासत भर में हर टाउन हर मौजे में पार्टी का आत्मीय सम्मेलन मुनाकिद किया जा रहा, जिसको गैर मामूली कामयाबी हासिल हो रही। केटी रामाराव ने बताया कि पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हल्का असेंबली कंटोनमेंट के लिए एम राजशेखर रेड्डी, हल्का असेंबली गोशा महल के लिए नंदकिशोर व्यास बिलाल और भद्राचलम के लिए मालुद कविता को इंचार्ज मुकर्रर करने का फैसला किया।